साथियों नमस्कार आपका चैनल पाइपिंग एंड ज्ञान में, में हृदय की गहराइयों से स्वागत है आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं सऊदी आराम को रीगर लेवल थ्री रिटर्न सर्टिफिकेट टेस्ट के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में सऊदी आराम को में रीगर लेवल थ्री का, का काम करने के लिए थियटिकल रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है जो सऊदी आराम को रीगर लेवल थ्री का थियटिकल रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस पर कराता है जो डेढ़ घंटे या नाइन्टी मिनट का होता है इसमें लगभग पचास क्वेश्चन होते हैं जिसको पास करने के लिए कम से कम अस्सी परसेंट क्वेश्चन सही होना चाहिए तभी सऊदी आराम को रीगर लेवल थ्री का सर्टिफिकेट इशू करता है या देता है तो इस वीडियो में रीगर लेवल थ्री के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन वन है वाट टाइप ऑफ लाइन मस्ट बी यूज वेन वर्किंग नियर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसका मतलब है कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रिकल उपकरण के पास काम करते समय किस प्रकार की लाइफ लाइन का उपयोग किया जाना चाहिए उसके लिए ऑप्शन ए है वायर रोप ऑप्शन बी है नॉन कंडक्टिव फाइबर रोप ऑप्शन सी है मेटल चेन ऑप्शन डी है लेदर तो इनमें से सही आंसर है बी नॉन कंडक्टिव फाइबर रोक दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द लेटर एसडब्ल्यूएल लिफ्टिंग एंड रीगिंग इक्विपमेंट मींस? इसका मतलब है कि रीगिंग और लिफ्टिंग इक्विपमेंट में एसडब्ल्यूएल का क्या मतलब है उसके लिए ऑप्शन ए है स्ट्रांग वर्किंग लिमिट ऑप्शन बी है सेफ वर्किंग लिमिट या लोड ऑप्शन सी है स्विंग द लोड ऑप्शन डी है स्टैम्प्ड विद लिमिट तो इनमें से सही आंसर है बी सेफ वर्किंग लिमिट तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट यूज्ड बाय अ रिगर इसका मतलब है कि सुरक्षा उपकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण आइटम क्या है जो रिगर द्वारा यूज किया जाता है ऑप्शन ए है सेफ्टी हैट ऑप्शन बी है स्पोर्ट शूज ऑप्शन सी है कवरऑल ऑप्शन डी है क्रेन तो इसमें से सही आंसर है ए सेफ्टी हैट या हेलमेट चौथा क्वेश्चन है बिफोर एनी लिफ्टिंग ऑपरेशन इज कैरियड आउट द रिगर मस्ट इसका मतलब है कि किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले रिगर को सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए है इम्फॉम द सुप्रिटेंडेंट ऑप्शन बी है क्लीन द लोड टू बी लिफ्टेड ऑप्शन सी है इरेक्ट ए लार्ज साइन ऑप्शन डी है बैरिकेटेड द एरिया तो इसमें से सही आंसर है डी बैरिकेटेड द एरिया रियर को काम करने से पहले बैरिकेशन कर देना चाहिए अगला क्वेश्चन है वॉट एवर पॉसिबल एनी रिगिंग ऑपरेशन शुड फॉलो द रूल ऑफ कीपिंग लोड इसका मतलब है कि जब भी संभव हो किसी भी रिगिंग ऑपरेशन के दौरान रख रखाव के नियम का पालन करना चाहिए ऑप्शन ए है लो एंड स्लो ऑप्शन बी है फास्ट एंड हाई ऑप्शन सी है एबव हेड हाइट ऑप्शन डी है स्लो एंड हाइट तो इसमें से सही आंसर है ए लो एंड स्लो अगला क्वेश्चन है टैग लाइन मस्ट बी यूज ऑन लिफ्ट इसका मतलब है कि टैग लाइन का उपयोग लिफ्टों के लिए किया जाना चाहिए ऑप्शन ए है हाई ऑप्शन बी है ऑल ऑप्शन सी है लॉन्ग ऑप्शन डी है हैवी तो इसमें से सही आंसर है बी ऑल इनमें से सभी अगला क्वेश्चन है वेन लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट द बैक मस्ट बी इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को उठाते समय पीछे की ओर होना चाहिए ऑप्शन ए है अलाउ टू बैंड ऑप्शन बी है यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑप्शन सी है केप्ट एट एन एंगल ऑप्शन डी है एज एज स्ट्रेट पॉसिबल इसमें से सही आंसर है डी कैप्ट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल जितना हो सके बैग को सीधा स्ट्रेट रखें अगला क्वेश्चन है वेन लोअरिंग एंड ऑब्जेक्ट टू द फ्लोर यू शूड इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को फर्श पर गिरते समय आपको क्या करना चाहिए ऑप्शन ए है लेट द ऑब्जेक्ट ड्रॉप वस्तु को गिरने दें ऑप्शन बी है बेंड द नीज एंड यूज योर लेग मसल्स घुटनों को मोड़ें और अपने पैर की मांसपेशियों का उपयोग करें ऑप्शन सी है आस्क पर्सन टू हेल्प किसी भी व्यक्ति को मदद करने के लिए कहें ऑप्शन डी है बेंड फ्रॉम द वेस्ट कमर से झुके तो इसमें से सही आंसर है बी बेंड द नीज एंड यूज योर लेग मसल्स घुटनों को मोड़े और पैर की मांसपेशियों का उपयोग करें अगला क्वेश्चन है रेफर टू इमेज व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट सो इसका मतलब है कि इमेज में जो इक्विपमेंट दिख रहा है उसका नाम क्या है ऑप्शन ए है वायर रोप क्लिप ऑप्शन बी है प्लेट क्लैंप, ऑप्शन सी है लिफ्टिंग बीम ऑप्शन डी है बीम क्लैंप। तो इसमें से सही आंसर है सी लिफ्टिंग बीम अगला क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ कनेक्टिंग इक्विपमेंट शो यह जो इक्विपमेंट पिक्चर में दिख रहा है इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है स्लिंग ऑप्शन बी है प्लेट क्लैंप, ऑप्शन सी है सैकल ऑप्शन डी है होस्ट तो इसमें से सही आंसर है बी प्लेट क्लैंप। अगला क्वेश्चन है ये प्लेट क्लैंप क्यों यूज किया जाता है ऑप्शन ए है स्प्रेड्स द वेट ऑफ द लोड भार का वेट बढ़ाता है ऑप्शन बी है स्टॉक स्टील प्लेट्स प्लेट का ढेर लगाने के लिए ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट स्टील प्लेट्स फ्रॉम डैमेज स्टील प्लेट को नुकसान से बचाता है ऑप्शन डी है लिफ्ट्स स्टील प्लेट्स विदाउट द नीड ऑफ होल्स प्लेट को उठाने या खींचने के लिए होल की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें से सही आंसर है डी लिफ्ट स्टील प्लेट्स विदाउट द नीड ऑफ Holes. अगला क्वेश्चन है इफ द जा प्लेट क्लैम्प आर कोटेड विद डायरेक्ट आर ग्रीस यू मस्ट मतलब कि अगर प्लेट क्लैम्प के जबड़े सीधे या ग्रीस लगाए तो आपको क्या करना चाहिए ऑप्शन ए है यूज द क्लैंप ओनली ऑन स्मॉल प्लेट केवल छोटी प्लेट पर क्लैम्प का उपयोग करें ऑप्शन बी है नॉट यूज द क्लैंप क्लेम का उपयोग नहीं करें ऑप्शन सी है रिप्लेस द जा इसके जबड़े को बदलें ऑप्शन डी है क्लीन एंड इंस्पेक्ट देन बिफोर यूज उपयोग करने से पहले उन्हें साफ और निरीक्षण करें तो इसमें से सही आंसर है डी क्लीन एंड इंस्पेक्ट देन बिफोर यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ कनेक्टिंग वो मतलब कि इस पिक्चर में जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है स्प्रेडर बीम ऑप्शन बी है प्लेट क्लैंप, ऑप्शन सी है बीम क्लैंप, ऑप्शन डी है आई बोल्ट तो इसमें से सही आंसर है सी बीम क्लैंप। अगला क्वेश्चन है इफ बीम क्लैंप इज फाउंड टू हैव क्रैक्स ऑन इट्स बॉडी यू मस्ट यदि बीम क्लैंप में दरारे हैं तो आपको क्या करना चाहिए ऑप्शन ए है इट ओनली ऑन स्मॉल लोड या केवल छोटे भार के लिए यूज करें ऑप्शन बी है स्टील यूज इट अभी इसका उपयोग कर सकते हैं ऑप्शन सी है रेड यूज इट्स कैपेसिटी लाल अपने क्षमता का उपयोग करता है ऑप्शन डी है नॉट यूज इट तो इसमें से सही आंसर है डी नॉट यूज इट इसका इस्तेमाल नहीं करें अगला क्वेश्चन है इस पिक्चर में जो इक्विपमेंट देख रहे हैं उसका नाम क्या है ऑप्शन ए है स्लिंग ऑप्शन बी है सेकल, ऑप्शन सी है आई बोल्ट ऑप्शन डी है होस्ट तो इसमें से सही आंसर है सी आई बोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आई बोल्ट ऑप्शन ए है मेक्स एंड आई इन द वायर रोप वायर रोप में आग बनाता है ऑप्शन बी है अटैच स्लिंग्स एंड साइकल्स टू लोड्स लोड उठाने के लिए स्लिंग और साइकल्स को संलग्न करता है ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट्स द आई ऑफ अ स्लिंग में आँख की सुरक्षा करता है ऑप्शन डी है स्प्रेड द वेट टू द लोड भार को वेट तक फैलाता है तो इसमें से सही आंसर है बी अटैच स्लिंग्स एंड साइकल्स टू लोड्स अगला क्वेश्चन है if an i bolt develops a crack you must यदि i bolt में दरारें हो तो आपको क्या करना चाहिए ऑप्शन ए है डिस्ट्रॉय इट इसे नष्ट कर दें ऑप्शन बी है वेल्ड द क्रैक दरारे को मिटा दें वेल्डिंग करके ऑप्शन सी है यूज इट केयरफुली सावधानी से उपयोग करें ऑप्शन डी है रिड्यूस इट्स कैपेसिटी इसकी क्षमता को कम करें तो इसमें से सही आंसर है ए डिस्ट्रॉइट इसे नष्ट कर दें इसका उपयोग न करें अगला क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट शो नीचे जो इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है टर्नवेकल ऑप्शन बी है आई वोल्ट ऑप्शन सी है वाई रोप क्लिप ऑप्शन डी है साइकिल एंड डी साइकिल तो इसमें से सही आंसर है डी बो साइकलन डी साइकल नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइकल इज यूज्ड टू मतलब कि साइकल का उपयोग किस लिए किया जाता है ऑप्शन ए है मेक एन आई इन द लोड लोड में आग बनाने के लिए ऑप्शन बी है सपोर्ट अ लोड ऑप्शन सी है ज्वाइंट टू सेपरेट लोड दो अलग लोड में शामिलो ऑप्शन डी है कनेक्ट अ सीलिंग टू अ लोड को कनेक्ट करने के लिए तो इसमें से सही आंसर है डी कनेक्ट अ सीलिंग टू अ लोड नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नो एस डब्ल्यू एल स्टैम्प यू मस्ट मतलब कि एक साइकिल के ऊपर एस डब्ल्यू एल यानी सेफ वर्किंग लोड नहीं दिया है तो आपको क्या करना चाहिए ऑप्शन ए है नॉट यूज इट इसका उपयोग नहीं करना चाहिए ऑप्शन बी है यूज इट ऑन स्मॉल लोड्स ओनली इसका उपयोग केवल छोटे भार पर करें ऑप्शन सी है स्टील यूज इट अभी भी इसका उपयोग करें ऑप्शन डी है रिड्यूस इट्स कैपेसिटी इसका क्षमता से कम भार यूज करें तो इसमें से सही आंसर है ए नॉट यूज इट इसका उपयोग नहीं करें अगला क्वेश्चन है रेफर टू पिक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लिंग शो मतलब कि जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन ए है एंडलेस बेल्ट ऑप्शन बी है एंडलेस वायर रोप ऑप्शन सी है स्लिंग लेग बेल्ट ऑप्शन डी है एंडलेस चैन तो इसमें से सही आंसर है बी एंडलेस वायर रोप अगला क्वेश्चन है पिक्चर की मदद से बताएं कि इस स्लिंग का नाम क्या है ऑप्शन ए है एंडलेस लेग बेल्ट ऑप्शन बी है एंडलेस वायर रोप ऑप्शन सी है एंडलेस बेल्ट ऑप्शन डी है एंडलेस चैन तो इसमें से सही आंसर है एंडलेस बेल्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सीलिंग शुड यू यूज व्हेन देयर कुड बी कनेक्ट विद एसिड इसका मतलब है कि एसिड के संपर्क में आने पर आपको किस प्रकार के सीलिंग का उपयोग करना चाहिए ऑप्शन ए है नाइलॉन फाइबर ऑप्शन बी है पॉलिस्टर फाइबर ऑप्शन सी है नेचुरल फाइबर ऑप्शन डी है वायरो। तो इसमें से सही आंसर है डी वह रोप अगला क्वेश्चन है वाट टाइप ऑफ स्लिंग शुड यू यूज वेन देयर कुड बी कनेक्ट विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसका मतलब है कि जब विद्युत उपकरण के संपर्क में हो तो किस प्रकार के स्लिंग का उपयोग करना चाहिए ऑप्शन ए है सिंथेटिक फाइबर ऑप्शन बी है एंडलेस वायर रोप ऑप्शन सी है सिंगल वायर रोप ऑप्शन डी है चैन ब्रदर्स इसमें से तो सही आंसर है ए सिंथेटिक फाइबर अगला क्वेश्चन है इस पिक्चर की मदद से बताएं कि यह सीलिंग किस तरह की डैमेज है ऑप्शन ए है ब्रोकन वायर टूटा हुआ वायर ऑप्शन बी है फ्लैटनिंग चपटा हुआ ऑप्शन सी है किंकिंग -किं, एठन लगा हुआ ऑप्शन डी है कोरोजन जंग लगा हुआ तो इसमें से सही आंसर है सी किंकिंग -किं, एठन लगा हुआ तो यह था सऊदी आराम को रिगर लेवल थ्री को पास करने के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट वन इसी सीरीज़ के वीडियो के पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहां से देख सकते हैं तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कोई भी सवाल आपके मन में रह गया हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद